अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ पंजाबी फूड पॉइंट से। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त और ये बड़ा मज़ेदार यम्मी और अच्छा वाला थिक वाला आलू गोश्त होगा। सर शोरबा शोरबे वाला होगा और पतला होता है लोगों का, तो आप ये देखिएगा कितना मज़ेदार थिक वाला बनता है। ये ऑयल गर्म हो गया, बिस्मिल्लाह रहमान की शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये लहसुन अदरक ये धो के कढ़ाई रखी है तो पानी के छीटे आ रहे हैं। फिर इसमें मटन है मेरे पास, मटन का आलू गोश्त आ रहे ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने लहसुन अदरक के साथ गोश्त डाले, अब ये इसमें मैं डालूँगी टमाटर प्याज धनिया, ये आप देख सकते हैं सब चीज़। एक हरी मिर्च लिया मैंने, बिस्मिल्लाह ये मैंने सब कुछ डाल दिया। अब ये इसको गलने के लिए इसमें पानी डाल दिया, गोश्त गल जाए, फिर 15 मिनट बाद हम देखते हैं। चलें देखते हैं, अब 15 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गोश्त बहुत अच्छा गल गया, बहुत अच्छा गल गया गोश्त। मटन 15 मिनट में गल जाता है, हल्की आंच पर रखें तो गल जाता है। इसको भून लेते हैं थोड़ा सा, आलू भी डाल देते हैं साथ में, भून जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आलू भी साथ ही भून जाएंगे। अच्छा सा भून गया, अच्छी तरह इसलिए भूनेंगे कि आलू के अंदर मसाला जज हो जाए, नमक जज हो जाए, मसाला इसका नमक मिर्च आलू में जज हो जाए। अभी मैंने गर्म मसाला नहीं डाला था, आपने देखा, तो मैं आखिर में डालूंगी। खूब अच्छी तरह से भून लिया, तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया और जो प्याज थी वो सब बारीक हो गई, सब कुछ इसमें था सब बारीक हो गया। ये अच्छा सब भून गया, अभी इसमें हम थोड़ा सा शोरबा पानी डालेंगे, वही शोरबा हो जाएगा। आलू गल के उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला ऐड करेंगे। ये देखो ये आलू आधे गल गए, आलू तकरीबन आधे गल गए। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च धनिया और हरी मिर्च और ये पिसा हुआ घर में पिसा मैंने पिसा हुआ धनिया और ये पिसा हुआ ज़रा मोटा मोटा पिसा गरम मसाला सब आधी आधी चम्मच। इसमें खुशबू आएगी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है आखिर में डाल के,
इसको दम पे रख देते हैं, ढक के थोड़ा सा गलजे। आप देखते हैं माशाल्लाह कितना, ये देखिए कितना ठीक है, कितना अच्छा मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार। इसको डिश आउट करेंगे, ये हमने डिश आउट किया। अब इसके ऊपर थोड़े से धनिया के पत्ते डालेंगे इस तरह से, हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार हो गया। आप देख सकते हैं, ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में बताएं हमें कैसा लगा आपको, ये तो ज़रूर बताएं। और अपना ख्याल रखें और नमाज की पाबंदी करें। और आपको एक गिफ्ट देती चलूं कि एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले सूरत यासीन ज़रूर पढ़ें, फिर मैं आपको, आप इसकी पाबंदी करें, फिर मैं आपको इसका एक वजीफ़ा बताऊंगी, इससे आपकी हर मुराद पूरी होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।